नीमा भोपा का लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च हो गया है 13 दिसंबर 2023 को। प्लान का नाम है एस्पायर। रीएश्योर 2.0 इनका बहुत पॉपुलर प्लान रहा है, लेकिन उसमें फीचर्स की क्या कमी रह गई कि इंश्योरेंस कंपनी को ये प्लान लॉन्च करना पड़ा, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। टोटल 4 वेरिएंट्स हैं एस्पायर प्लान के अंदर, गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। इनमें फीचर्स के क्या क्या डिफरेंस हैं वो भी हम जान पाएंगे। इस प्लान के यूनिक फीचर्स क्या हैं जो इस प्लान को बेहद खास बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऑप्शनल फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम जान जाएंगे। यानी अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर, इस प्लान को समझकर आप बाकी सारे प्लान से इस प्लान को कंपेयर कर पाएंगे और अपने डिसीजन को आप बेहतर तो बना ही लेंगे। और अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और अपने कस्टमर्स के लिए प्लान समझना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो देरी किस बात की, आइए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एस्पायर प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी और पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। एंट्री एज क्या है, एडल्ट्स के लिए है 18 से 65 साल के बीच में, यानी जो भी एडल्ट मेंबर ये पॉलिसी लेंगे उनकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए एंट्री के टाइम। रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग हो सकता है, 65 के बाद भी ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी लेते टाइम एज 65 से कम होनी चाहिए। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें, यानी जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आ रहे हैं उनकी एज 91 दिन से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्लान टाइप, यानी कितनी तरह के प्लान आप खरीद सकते हैं इस पॉलिसी में। सबसे पहला इंडिविजुअल प्लान है, यानी आप अकेले अपने लिए पॉलिसी खरीदते हैं, यानी पूरा सम इंश्योर्ड अकेला इंसान इस्तेमाल कर पाएगा तो वो इंडिविजुअल प्लान है। मल्टी इंडिविजुअल प्लान, यानी एक पॉलिसी के अंदर काफी मेंबर्स हैं लेकिन सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड है तो वो मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी होगी। और फैमिली फ्लोटर, यानी एक सम इंश्योर्ड है और उसके अंडर पूरी फैमिली कवर्ड है तो फैमिली फ्लोटर प्लान भी आप इस प्लान में ले सकते हैं। प्लान टर्म, यानी कितने टाइम का प्लान एक साथ खरीद सकते हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी भी आप एक साथ खरीद पाएंगे। और लॉन्ग टर्म डिस्काउंट तो कंपनी आपको देगी ही। अगर 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पे 7.5% और 3 साल की पॉलिसी अगर एक साथ खरीदते हैं तो तीसरे साल के प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सम इंश्योर्ड की, यानी कितने रुपए की कवरेज आप इस प्लान के अंडर ले सकते हैं। मिनिमम कवरेज है 3 लाख रुपए की और जो हाईएस्ट कवरेज है वो 1 करोड़ रुपए की है। सम इंश्योर्ड के क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आपको दिख रहे हैं, 3 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए तक की भी आप कवरेज इस प्लान के अंडर ले पाएंगे। दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद इस प्लान की कवरेज एक बार समझ लेते हैं। कवरेज में पहला पॉइंट आता है हॉस्पिटलाइजेशन का, यानी जब पेशेंट इलाज के लिए एडमिट होता है तो क्या क्या कवरेज उन्हें मिलती है। देखिए कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन वैसे तो 24 घंटे की होना जरूरी है, लेकिन यहां पर अगर कोई भी इलाज 2 घंटे से ज्यादा चलता है और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कवर करती है तो उस इलाज का भी क्लेम आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। हालांकि आयुष के लिए, यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इनमें से अगर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो 24 घंटे का एडमिट होना हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। डे केयर ट्रीटमेंट्स, ये वो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं जो 3 से 4 घंटे में हो जाती हैं, ये भी आपके इस प्लान में कवर्ड रहेंगी। अगली बारी आती है एम्बुलेंस की, इलाज के लिए एम्बुलेंस में जाना पड़ता है, बाय रोड जाएं या किसी इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये दोनों ही कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, बशर्ते जिस इलाज के लिए एडमिट हो रहे हैं वो इलाज भी इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया हो। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, यानी ये कई तरह की रोबोटिक सर्जरीज हैं, बलून साइनोप्लास्टी, पूरी डिटेल्ड लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, IRDA द्वारा डिफाइन की गई यही मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, ये सारी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, इनमें कोई भी सबलिमिट नहीं है। अब रीएश्योर 2.0 में क्या था, रोबोटिक सर्जरीज के ऊपर 1 लाख रुपए की सबलिमिट थी, लेकिन यहां पर कोई भी सबलिमिट या कैपिंग कंपनी ने नहीं रखी है। अगला पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हो गए हैं, ओपीडी के जो खर्चे होते हैं, डायग्नोस्टिक के, डॉक्टर को दिखाने के और दवाइयों के, और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं वो कितने दिन तक कवर होंगे, 60 दिन पहले के और 180 दिन बाद के खर्चे ये प्लान कवर करेगा। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों होम केयर ट्रीटमेंट, यानी आप हॉस्पिटल से कोई इलाज करवा के आए हैं और आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अभी आप घर पे रहेंगे, लेकिन यहां पर भी आपको पेड अटेंडेंट या नर्स की जरूरत है तो वो खर्चा भी आपका प्लान आपके वेरिएंट के हिसाब से कवर करेगा। नेक्स्ट कवरेज है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी घर पे ही इलाज लेना पड़ जाए, इलाज हॉस्पिटल में नहीं हुआ, इलाज कहां हुआ है, घर पे, अपनी मर्जी से नहीं, जब मजबूरी में ऐसा करना पड़े, यानी हॉस्पिटल्स में या तो बेड्स अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते तो सारा जो मेडिकल सेटअप है वो घर पे ही करना पड़े तो वो वाले जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इसे कहा जाएगा, ये भी ये प्लान कवर करेगा। ऑर्गन डोनर चार्जेस, अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑर्गन फेलियर हो जाता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इंश्योर्ड का और इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम अप्रूव करती है, यानी उस ऑर्गन का इलाज पहले से अप्रूव्ड है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा भी कवर किया जाएगा। हालांकि डोनर स्क्रीनिंग चार्जेस जो होते हैं, यानी जो डोनर ढूंढने के जो चार्जेस होते हैं, जो कंपेटेबल ऑर्गन जिस डोनर का ट्रांसप्लांट किया जाएगा उनको स्क्रीन करने के जो चार्जेस हैं वो किसी भी प्लान में कवर नहीं होते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी पूरे साल के अंदर
अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स का जो भी इंश्योर्ड मेंबर है उनका हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इस पॉलिसी में करवा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या, सिर्फ जो लिस्टेड टेस्ट हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये पॉलिसी वर्डिंग्स में भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, यही टेस्ट आप करवा पाएंगे और ये आपको सिर्फ कैशलेस करवाने होंगे। ऐसा नहीं आप रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं इनका, अपनी मोबाइल ऐप से, नेवा वूबा की ऐप से आपको ये टेस्ट बुक करने होंगे, जो भी इनकी पैनल लैब है वहां से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और ये सिर्फ कैशलेस रहेंगे इनका, यानी कि रिइंबर्समेंट क्लेम यानी बाद में आप इसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। लिव हेल्दी बेनिफिट यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल आप बहुत अच्छा रखते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, जो स्टेप काउंट्स है वो कंप्लीट करते हैं, जिसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको मोबाइल ऐप में कुछ पॉइंट्स और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो देगी और इन पॉइंट्स के हिसाब से आपको रिन्यूअल के टाइम पे अप टू 30% डिस्काउंट, अगर इंडिविजुअल प्लान है तो अप टू 30% तक डिस्काउंट आप अर्न कर सकते हैं ऑन योर रिन्यूअल प्रीमियम। कवरेज का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेकंड ओपिनियन, यानी कि एक बार आपने ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन आपको डाउट है डायग्नोसिस को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, आप दोबारा से किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कवर कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर सेकंड ओपिनियन कवरेज के अंदर। अनलिमिटेड टाइम्स आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब आपने पहली बार इलाज करवाया, डायग्नोसिस करवाया, वो वाला क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तो ही ये सेकंड ओपिनियन का भी क्लेम आपका अप्रूव किया जाएगा। ई कंसल्टेशन, ये भी अनलिमिटेड टाइम्स आप ले सकते हैं। ई कंसल्टेशन का क्या मतलब है, ई का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन आपकी नेवा वूबा की मोबाइल ऐप के द्वारा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में, उस पे भी नंबर ऑफ टाइम्स की कोई लिमिट नहीं है, पूरे साल में अनलिमिटेड टाइम्स आप ये कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब तक दोस्तों ये सारे कॉमन कवरेजेस हमने जाने थे, बेसिक फीचर्स हैं, अब कुछ स्पेसिफिक कवरेजेस का जिक्र कर लेते हैं, यानी जो इस प्लान को बहुत खास बनाते हैं, वन बाय वन इन्हें समझते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है रिएश्योर प्लस बेनिफिट का, ये आपने रिएश्योर 2.0 में भी देखा था। रिएश्योर प्लस बेनिफिट क्या कहता है कि जब भी आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होगा किसी भी इलाज के दौरान, दोबारा से वो रिचार्ज होकर पूरा हो जाएगा अगले फ्यूचर क्लेम्स के लिए। इसके कुछ खास बातें हैं, वो क्या है, एक तो ये फॉरएवर है, यानी एक बार ये ट्रिगर हो गया, एक बार रिएश्योर प्लस बेनिफिट एक्टिव हो गया तो पूरे लाइफ टाइम इसको दोबारा एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, इसका सम इंश्योर्ड हमेशा आपके क्लेम के लिए रेडी रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अप टू सम इंश्योर्ड है, यानी जितनी आपकी बीमित राशि है उससे ज्यादा ये रिएश्योर प्लस बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड भी आप क्लेम कर पाएंगे। अब इन कंडीशंस को, इसके इस्तेमाल को एक एग्जांपल से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लो एक पॉलिसी है, उसके अंदर पहले साल के अंदर बेसिक सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी का है 10 लाख रुपए, यानी जो पॉलिसी ली है हमने कितने की ली है 10 लाख रुपए की। पहला क्लेम आता है इस पॉलिसी के अंदर 7 लाख रुपए का, तो कंपनी वो पे कर देती है और यहां पर क्या हो गया, ट्रिगर हो गया है, रिएश्योर प्लस जो है वो एक्टिव हो गया है। हालांकि इस वाले क्लेम में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पहले क्लेम में ये ट्रिगर होगा, फिर लाइफ टाइम इसे दोबारा से ट्रिगर एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। 7 लाख रुपए इस्तेमाल हो जाते हैं तो बैलेंस कितना बचा, बेसिक सम इंश्योर्ड में 10 लाख की पॉलिसी थी, 7 लाख रुपए क्लेम में चले गए, 3 लाख रुपए बैलेंस बच जाता है। उसके बाद दूसरा क्लेम आ जाता है इसी पॉलिसी में 12 लाख रुपए का, अब यहां पे क्या होगा, 3 लाख रुपए तो ये इस्तेमाल होंगे जो कि बेसिक सम इंश्योर्ड के बचे हुए हैं और 9 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका जो रिएश्योर प्लस बेनिफिट है इसमें से। कितने का एक्टिव हुआ ये, 10 लाख रुपए का ये है, तो 10 लाख रुपए का रिएश्योर प्लस बेनिफिट एक्टिव हो जाता है, उसमें से 9 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर लेते हैं, टोटल 12 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देती है, लेकिन अब आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो क्या हो गया, 0। अब तीसरा क्लेम आ जाता है 11 लाख रुपए का, अब बेसिक सम इंश्योर्ड 0 है और जो आपका रिएश्योर प्लस बेनिफिट है वो कितना इस्तेमाल हो सकता है, मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड, तो क्लेम कितना पे किया जाएगा, 10 लाख रुपए फ्रॉम रिएश्योर बेनिफिट ये कंपनी आपको पे कर देगी। अब ये तो एक साल कंप्लीट हो गया, अब अगले साल पे आ जाते हैं, ये दूसरा साल आ गया, यहां पर बेसिक सम इंश्योर्ड दोबारा आपका कितना है 10 लाख रुपए, रिएश्योर बेनिफिट पहले दिन से आ जाएगा क्योंकि ट्रिगर सिर्फ एक बार होगा, दोबारा ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, हर साल ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर टोटल 20 लाख रुपए सम इंश्योर्ड आपको दोनों का मिला के मिल जाता है। अब पहला क्लेम आता है 15 लाख रुपए का, कंपनी कितना पे कर देती है 15 लाख रुपए, बेसिक सम इंश्योर्ड अब यहां पर कितना बचा 0, क्योंकि 10 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड का इस्तेमाल हुआ है और 5 लाख रुपए के रिएश्योर बेनिफिट से कंपनी ने पे किए हैं। अगला क्लेम आ जाता है 12 लाख रुपए का, यहां पे कंपनी कितना अमाउंट पे करेगी, अब क्योंकि बेसिक सम इंश्योर्ड तो 0 है, रिएश्योर बेनिफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू सम इंश्योर्ड, 12 लाख का क्लेम आए चाहे 15 लाख का आए चाहे 20 लाख रुपए का आए, जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो गया है तो रिएश्योर प्लस के द्वारा सिर्फ 10 लाख रुपए ही इंश्योरेंस कंपनी ने पे किए हैं। अब ये देखिए यहां पे जो आपने समझा, एक तो ये अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होगा और जो मैक्सिमम लिमिट है वो बेसिक सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं होगी, इस तरह से आप रिएश्योर प्लस बेनिफिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक बेनिफिट है दोस्तों वो है बूस्टर प्लस बेनिफिट। बूस्टर प्लस बेनिफिट ये नाम तो आपने सुना है ना, रिएश्योर 2.0 में भी ये था, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर वेरिएंट वाइज कुछ डिफरेंशिएशन है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है। बूस्टर प्लस बेनिफिट ये कहता है कि जो भी सम इंश्योर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, इस साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया तो ये 10 लाख रुपए मेरे अगले साल वाले सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएंगे
करेंगे, अगले साल मेरी बीमित राशि हो जाएगी 20 लाख रुपए। ऐसे करते करते मैक्सिमम कोई लिमिट तो होगी ना, कहां तक इकट्ठा हो सकता है, वो लिमिट है 10 टाइम्स, यानी बेसिक सम इंश्योर्ड का 10 गुना, और 10 गुना तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपका एक साल का सम इंश्योर्ड भी रह जाएगा। मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10 साल तक मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, मेरा बूस्टर प्लस बेनिफिट हो गया 1 करोड़ रुपए, उसके अलावा मेरा सम इंश्योर्ड यानी टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड में इकट्ठा कर सकता हूं, अगर मेरी बीमित राशि सिर्फ 10 लाख रुपए सालाना है। तो इसे समझते हैं कि आपको कौन से वेरिएंट के अंदर, यानी कि गोल्ड, डायमंड, टाइटेनियम, प्लेटिनम, कौन से वेरिएंट के अंदर कितनी एंट्री एज के ऊपर कितना बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों मैं अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि आप मैक्सिमम किस लिमिट तक अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं। 4 वेरिएंट मैंने आपको बताए थे, गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस, ये इनका टॉप वेरिएंट है, ये इनका बेस वेरिएंट है। इन्हें मैं बूस्टर प्लस बताऊंगा, वो डिपेंड करता है आपकी एंट्री एज के ऊपर, यानी किस एज में आप ये प्लान खरीदते हैं उसके हिसाब से आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट की मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की जाती है। एंट्री एज मैंने यहां सालों में लिखी है और यहां पर एक्स का मतलब टाइम्स है, यानी जितना भी एक्स लिखा है इसको आप टाइम्स समझे कि 5x का मतलब 5 टाइम्स, 10x का मतलब 10 टाइम्स। तो अगर आपने गोल्ड वेरिएंट लिया है और आपकी एंट्री एज पॉलिसी खरीदते टाइम सीनियर मेंबर की एज है 18 से 35 साल के बीच में, तो 3 गुना तक बूस्टर प्लस बेनिफिट आप इकट्ठा कर सकते हैं और सम इंश्योर्ड इसके अलावा रहेगा। 36 से 45 साल के बीच में अगर एंट्री एज है तो 2 टाइम्स तक आप बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं, सम इंश्योर्ड इसके अलग रहेगा। और अगर इस प्लान के अंदर 40 साल के बाद अगर कोई एंट्री लेता है तो 1 टाइम्स यानी कि सम इंश्योर्ड का डबल ही वो बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर पाएगा। डायमंड प्लस प्लान अगर आप लेते हैं तो 18 से 35 साल की एंट्री एज है तो 5 टाइम्स, 36 से 45 साल की एज है तो 3 गुना, और 40 से ज्यादा साल अगर एंट्री एज है 2 गुना तक बूस्टर प्लस बेनिफिट आप इकट्ठा कर पाएंगे, सम इंश्योर्ड इससे अलग रहेगा। प्लेटिनम प्लस प्लान अगर आप लेते हैं 18 से 35 साल के बीच में एंट्री एज है तो 10 टाइम्स, 36 से 45 साल के बीच में एंट्री एज है तो 5 टाइम्स, और 40 प्लस एज में अगर एंट्री लेते हैं तो 3 टाइम्स बूस्टर प्लस बेनिफिट आप इकट्ठा कर पाएंगे। और टाइटेनियम प्लान भी सेम प्लेटिनम प्लान वाला ही है, मैक्सिमम कितना 10 टाइम्स तक आप बूस्टर प्लस बेनिफिट एक्युमुलेट कर सकते हैं जो भी सम इंश्योर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है आपकी एंट्री एज, जितना लेट आप एंट्री करेंगे उतना ही कम आप बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि कम एज में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने का बहुत फायदा होता है, तो वो बेनिफिट्स यहां पर भी आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों आता है इस प्लान का सबसे खास फीचर जो इस प्लान को रिएशो 2.0 से भी अलग बनाता है और बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान है उनसे भी ये काफी अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा नीवा बुपा के प्लान में मैटरनिटी को लेकर काफी ये रहता है कि इसमें मैटरनिटी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन जब भी नीवा बुपा कोई नया फीचर अपने प्लान में इंक्लूड करते हैं तो उसका स्कोप काफी बड़ा रखते हैं, वो नॉर्मली एक फीचर को ऐड नहीं करते हैं। तो ऐसा ही यहां पर भी उन्होंने किया है। इस फीचर का नाम है मिरेकल, मिरेकल मतलब चमत्कार। चमत्कार उन्होंने किस बारे में किया है, पेरेंटहुड के बेनिफिट्स दिए हैं, यानी मैटरनिटी के बेनिफिट्स यहां पर दिए गए हैं। तो मैटरनिटी में खाली ये नहीं है डिलीवरीज कवर्ड हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों एंटीनेटल चेकअप्स, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर को विजिट करनी पड़ती है डिलीवरी से पहले, चाहे वो सोनोग्राम्स हो, कलर्ड अल्ट्रासाउंड हो, तो वो चार्जेस भी इसमें कवर किए जाएंगे। वैक्सीन, यानी कि जो मदर को वैक्सीन लगते हैं डिलीवरी से पहले, वो भी यहां इसमें कवर होंगे। डिलीवरी के चार्जेस नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों इसमें कवर की जाएंगी, हालांकि इनके ऊपर सब लिमिट्स हैं, वो इसके बाद में आपको बताऊंगा कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सरोगेसी, यानी कि बायोलॉजिकली मदर कोई और है, किसी और मदर के जरिए आप बच्चे की डिलीवरी चाहते हैं, सरोगेट मदर जिसे कहा जाएगा, वो चार्जेस भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे। आपने मूवी देखी होगी मिमी, मिमी मूवी के अंदर जो फॉरेन कपल आता है वो सरोगेसी के द्वारा ही अपना बच्चा यहां पर डिलीवर करवाता है इंडिया के अंदर, तो वो चार्जेस भी कवर किए जा सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन यानी कि आईवीएफ, आईवीएफ या इसके अलावा भी 3-4 टाइप की जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है वो भी आप कवर कर सकते हैं, हालांकि इनसे जुड़ी हुई जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पॉलिसी वर्डिंग से जरूर पढ़ लें। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यानी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो ट्रीटमेंट भी आप इस प्लान में ले सकते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन यानी लीगली आप बच्चे को अगर गोद लेते हैं तो उसके चार्जेस भी आप इस प्लान में कवर कर सकते हैं। और न्यूबॉर्न बेबी जो है वो पहले दिन से कवर किया जाएगा इस प्लान के अंदर। मान लो बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी के चार्जेस तो कवर हो गए, लेकिन बच्चे में भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है उसको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी पहले दिन से कवर किया जाएगा, क्योंकि वैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बच्चे को ऐड करने का जो टाइम कितना होता है, मिनिमम 91 डेज का, यहां पर डे 1 से कवर किया जाएगा अगर उन्हें कुछ दिक्कत हो जाती है तो। अब दोस्तों जो मिरेकल बेनिफिट है ना, यानी जो पेरेंटहुड के जो बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी के बेनिफिट्स हैं, इनका सम इंश्योर्ड आपको अलग से मिलता है, जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसमें ये ऐड नहीं होता, ये आपके बेसिक सम इंश्योर्ड पर लेकिन डिपेंड जरूर करता है। मान लो आपने पॉलिसी ली है 20 लाख रुपए की तो आपका जो मिरेकल बेनिफिट है वो ज्यादा होगा, अगर आपने पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की तो आपका मिरेकल बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो उसी रेशियो में कम होगा। वो अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड लेते टाइम आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका मिरेकल बेनिफिट इसमें कितना है, और ये मिरेकल बेनिफिट भी अलग से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।
सकता है। मान लो आपने एक साल आपका मिरेकल बेनिफिट था 10,000 रुपए, वो आपने यूज नहीं किया, यानी वो 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर आपके दूसरे मिरेकल बेनिफिट में ऐड हो जाएंगे, टोटल आपके पास 20,000 रुपए मिरेकल बेनिफिट के हो जाएंगे। अगले साल भी आपका अगर कोई मिरेकल बेनिफिट का क्लेम अलग से नहीं लेते हैं तो वो 20,000 अगले 10,000 में ऐड हो जाएंगे, टोटल 30,000 रुपए आपके मिरेकल बेनिफिट के हो जाएंगे। इस तरीके से जिस तरीके से बूस्टर प्लस बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसी तरह से मिरेकल बेनिफिट भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार पहले वेटिंग पीरियड समझ लेते हैं कि कौन से प्लान में कितना वेटिंग पीरियड रहेगा, यानी कितने टाइम के बाद कौन से प्लान में कौन सा इलाज कवर किया जाएगा। सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बारी आती है, यानी कि जो भी दिक्कतें पेशेंट को पॉलिसी लेते टाइम है उन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा, और वो पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को बताएं कि मुझे ये दिक्कत है, तभी उन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज माना जाएगा। गोल्ड प्लस प्लान अगर आप लेते हैं तो 48 महीने का वेटिंग पीरियड है, इस तरह की बीमारी 48 महीने के बाद कवर की जाएंगी। डायमंड प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लस अगर प्लान है तो 36 महीने के बाद यानी 3 साल के बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर की जाएंगी। स्पेसिफिक इलनेस यानी कि स्लो ग्रोइंग जो इलनेस है उनकी लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग से मिल जाएगी। वो जो लिस्टेड बीमारियां हैं वो चारों ही प्लान्स के अंदर 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का है सारे प्लान्स के अंदर, यानी इन 30 दिन के अंदर आपका सिर्फ एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट ही आप कवर कर सकते हैं, कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते। मिरेकल बेनिफिट यानी कि जो पेरेंटहुड मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं उनको क्लेम करने के लिए गोल्ड प्लस प्लान में 48 महीने का वेटिंग पीरियड है, डायमंड प्लस प्लान में 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, और प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लस प्लान के अंदर 9 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। इसके बाद ही आप मैटरनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी क्लेम है या जो मैंने आपको इंक्लूजन बताए थे बेनिफिट्स बताए थे उनमें से कोई भी क्लेम ये वेटिंग पीरियड ओवर होने के बाद ही आप कवर कर सकते हैं। अब यहां पे जो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 48 महीने और 36 महीने काफी ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा जहां पर मैं इस प्लान के ऑप्शनल कवर्स को डिस्कस करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे मिस ना करें। अब दोस्तों बारी आती है ऑप्शनल कवर्स की, ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें लिस्ट में पहला नाम है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी ये आप डिडक्टिबल का अमाउंट चूज कर सकते हैं साल में, यानी 20,000, 30,000, 50,000 या 1,00,000 रुपए, जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे पूरे साल में इतने अमाउंट तक का क्लेम आपको पे करना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी। इसके बदले क्या होगा, आपका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। हॉस्पिटल कैश यानी जब भी पेशेंट एडमिट होता है 24 घंटे से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो मैक्सिमम पूरे पॉलिसी ईयर में 30 दिन तक हॉस्पिटल कैश की सुविधा उठाई जा सकती है। डेली का कैश कुछ अटेंडेंट का यानी जो पेशेंट है उनको दिया जाएगा जब तक वो एडमिट रहते हैं, बशर्ते वो क्लेम अप्रूव किया गया हो। कोपेमेंट यानी क्लेम को शेयरिंग बेसिस पे पे करना, अगर अपनी पॉलिसी में आप कोपेमेंट चूज करते हैं तो जितना परसेंट आप कोपेमेंट चूज करेंगे क्लेम का उतना परसेंट अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा, बाकी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हालांकि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल और कोपेमेंट आपके दोनों एडिशनल बेनिफिट जो है ऑप्शनल बेनिफिट ये एक साथ चूज नहीं कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मॉडिफिकेशन यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग टाइम था उसको आप यहां मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने कितना बताया था 48 महीने गोल्ड प्लान के लिए, बाकी के लिए 36 महीने का है, उसे आप कम भी कर सकते हैं, 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने भी कर सकते हैं अगर आप ये वाला एड ऑन लेंगे तो। एक बार आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा और आपका ये जो वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का ये मॉडिफाई हो जाएगा। रूम टाइप मॉडिफिकेशन, जो भी रूम रेंट टाइप आपके प्लान में असाइंड है अगर आप उससे ऊपर वाला रूम चूज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपने रूम रेंट की लिमिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शनल कवर आता है फ्यूचर रेडी, ये यूनिक है, ये नेवा ऊपर के किसी प्लान में पहले नहीं है। फ्यूचर रेडी क्या कहता है, यानी एडवांस में फ्यूचर के लिए रेडी हो जाना। मान लो कोई इंडिविजुअल प्लान है अपनी पॉलिसी में वो फ्यूचर में अपनी वाइफ को ऐड करना चाहते हैं तो ये फीचर उन्हें लेना चाहिए। ये लेने से क्या होगा, उनकी वाइफ का गारंटीड एडिशन हो जाएगा इस पॉलिसी में, यानी कंपनी उन्हें ऐड करने के लिए मना नहीं करेंगी। शर्त क्या है, मैरिज की 90 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि वो इस पॉलिसी में ऐड किए जाएंगे, और जितने भी आपने इस पॉलिसी पीरियड के दौरान वेटिंग पीरियड ओवर किए हैं, जितना टाइम आपको ये पॉलिसी लिए हुए हो गया है, वो सेम जो वेटिंग पीरियड है आपके स्पाउस के भी कवर्ड माने जाएंगे जब से वो इस पॉलिसी में ऐड होंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है दोस्तों बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस का मतलब क्या है, ग्लोबल कवरेज, यानी इंडियन सबलिमिट्स तक ही आपका इलाज जो है वो सीमित नहीं है, आप इंडिया से बाहर भी इलाज करवा सकते हैं। कोपेमेंट का ऑप्शन भी आप इस फीचर के अंदर चूज कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो आप कोपेमेंट चूज कर लीजिए, 0%, 20%, 30%, 40%, 50%, जितनी कोपेमेंट आप चूज करेंगे उतना परसेंट क्लेम आपको अपनी पॉकेट से देना होगा ग्लोबल कवरेज का यानी बॉर्डरलेस कवरेज का, बाकी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन कवर है दोस्तों कैश बैग, ये एक डिजिटल वॉलेट है, यानी इसके अंदर आपके पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स इकट्ठे होते रहेंगे। वो आपको कैसे मिलेंगे, जब भी आप किसी क्लेम फ्री ईयर के बाद अपना रिन्यूअल कराते हैं, पहला रिन्यूअल जब आप कराएंगे और अगर ये साल अगर क्लेम फ्री है तो 10% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि करेंसी आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है। उससे अगले जो भी क्लेम फ्री रिन्यूअल्स हैं उनमें हर रिन्यूअल पे 5% आपको ये कैश बैक मिलेगा जो कि आपके कैश
बैग के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये पैसा इकट्ठा तो हो गया, आप यूज कहां कर सकते हैं इसको? आप यूज कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे अपने प्रीमियम में एडजस्ट कर सकते हैं, एक वॉलेट में जैसे आप पे करते हैं वैसे ही आप इसे रिन्यूअल के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं, ओपीडी के चार्जेस में इसे पे कर सकते हैं। कोपेमेंट का अगर कोई क्लेम आ जाता है जो शेयरिंग बेसिस पर है तो अपने कोपेमेंट का जो आपका शेयर है उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। कंज्यूमेबल्स यानी नॉन पेएबल आइटम्स है यानी इंश्योरेंस कंपनी जिनका क्लेम आपको नहीं दे रही है वहां पर आप ये वॉलेट का पैसा कैशबैक का पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कवर आता है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। नाम सही दिख रहा है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है यानी जो बीमित व्यक्ति है इस पॉलिसी के अंदर जो शामिल है अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु या डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो अप्रूव्ड लिमिट्स हैं जो पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर मेंशन है डिसेबिलिटी की भी और डेथ की भी उनके अकॉर्डिंग उनके परिवार या नॉमिनी को क्लेम मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल कवर के तौर पे स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट जो आते हैं सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस, ये निवेउपा के स्टैंडर्ड एडऑन्स हैं जिनके अंदर आपका कंज्यूमेबल्स है यानी कि जो नॉन पेएबल आइटम्स है वो कवर किए जाएंगे। सेफगार्ड प्लान के अंदर सिर्फ एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के आइटम्स कवर किए जाएंगे, सेफगार्ड प्लस के अंदर एनेक्सर 1 की 1, 2, 3, 4 जो चारों लिस्ट है इन चारों के आइटम्स कवर किए जाएंगे। वहीं पे अगर कोई क्लेम आ जाता है तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट इंपैक्ट नहीं होगा। सेफगार्ड में 50,000 रुपए तक का क्लेम अगर आ जाता है और सेफगार्ड प्लस में अगर 1,00,000 रुपए तक का कोई भी क्लेम आ जाता है तो बूस्टर प्लस बेनिफिट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। और तीसरा बेनिफिट जो है इन दोनों ही एडऑन्स का वो ये कि इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई दर के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो इन दोनों में से भी एडऑन आप चूज कर सकते हैं अगर आपको कंज्यूमेबल्स ऐड करवाने अपनी पॉलिसी में और 50,000 या 1,00,000 रुपए का क्लेम आने तक आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट इंपैक्ट ना हो तो भी इन दोनों को आप ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है दोस्तों वेल कंसल्ट, यही ओपीडी बेनिफिट है यानी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट के खर्चे भी आप क्लेम कर पाएंगे यानी जो डॉक्टर को दिखाना है दिखाने की फीस है डायग्नोस्टिक चार्जेस हैं दवाइयों के खर्चे हैं वो भी आप कवर कर पाएंगे। टेलीकंसल्टेशन यानी मोबाइल फोन के द्वारा कंसल्ट कर पाएंगे जो भी नेवा उपा के जो पैनल के हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर्स हैं वहां पर आप मोबाइल से भी कंसल्ट कर पाएंगे। फिजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं डायरेक्टली जो इनके पैनल पर डॉक्टर्स हैं वहां से अपॉइंटमेंट लेके आप ओपीडी का क्लेम ले सकते हैं। मेडिसिन का खर्चा कवर होगा, डायग्नोस्टिक का खर्चा कवर होगा, लेकिन अगर इन तीनों ही चीजों में अगर आप रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल करते हैं जिस भी फैसिलिटी के लिए रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल करेंगे उसमें 20% की कोपेमेंट एप्लीकेबल होगी। मान लो आपने ऑनलाइन जो है अपनी ओपीडी कंसल्टेशन बुक की अब लेकिन वहां पर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, वहां पर आप गए आपने रिइंबर्समेंट क्लेम अगर लिया है इस चीज का तो फिर उसके लिए 20% का क्लेम शेयर आपको पे करना होगा, 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब दोस्तों इस प्लान के अंदर जो फीचर्स की लिस्ट है बेनिफिट्स की लिस्ट है ऑप्शनल कवरेजेस की लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि लॉक द क्लॉक का एक्सप्लेनेशन मैंने बीच में मिस कर दिया, तो कोई बात नहीं वैसे मिस नहीं करेंगे, सीक्वेंस थोड़ा सा आगे आ गया है लेकिन मैं आपको बताता हूं लॉक द क्लॉक क्या है। वैसे तो रेशियो 2.0 में हमने देखा था सेम वही लॉक द क्लॉक है यानी जिस टाइम पर आप ये पॉलिसी खरीदेंगे और उसके बाद जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं आपका प्रीमियम यानी पॉलिसी का दाम सेम ही रहने वाला है। मान लो मेरी एज है 32 और मैंने आज पॉलिसी खरीदी और इसके बाद मैंने 42 साल की एज तक कोई क्लेम ही नहीं लिया तो मैं 42 साल की एज तक यही 32 साल वाला प्रीमियम पे करूंगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जब मेरा क्लेम आ जाता है एट द एज ऑफ 42 उसके बाद जो भी मेरा एज स्लैब है उसके हिसाब से मेरा प्रीमियम आएगा और आगे फ्यूचर में बढ़ता भी रहेगा। तो ये फीचर जो है लॉक द क्लॉक आपको दो ही वेरिएंट्स में मिलता है डायमंड प्लस और प्लेटिनम प्लस यानी बेस वेरिएंट के अंदर, गोल्ड प्लस वेरिएंट के अंदर लॉक द क्लॉक का फीचर नहीं है, उससे ऊपर डायमंड प्लस और प्लेटिनम प्लस के अंदर आपको लॉक द क्लॉक का फीचर मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों टाइटेनियम प्लस का जिक्र नहीं हुआ क्योंकि टाइटेनियम प्लस प्लान के अंदर जो फीचर है उसका नाम है लॉक द क्लॉक प्लस यानी ये एक स्टेप आगे है। ये क्या कहते हैं कि अगर आपका क्लेम मिरेकल बेनिफिट से जुड़ा हुआ आ जाता है मैटरनिटी या पेरेंटहुड से बेनिफिट्स के जो क्लेम है वो अगर आप फाइल करते हैं तो भी आपका जो प्रीमियम है वो सेम ही रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ टाइटेनियम प्लस प्लान में अवेलेबल है। इन वाले प्लान्स में अगर पेरेंटहुड का मिरेकल बेनिफिट का कोई क्लेम आ जाता है तो लॉक द क्लॉक बेनिफिट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका रेगुलर प्रीमियम आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आपने टाइटेनियम प्लस प्लान लिया है तो उसके अंदर लॉक द क्लॉक प्लस फीचर है, मिरेकल क्लेम आने के बाद भी ये प्रीमियम लॉक द क्लॉक का फीचर एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा यानी इसे क्लेम नहीं माना जाएगा और आपका ये बेनिफिट एज इट इज एक्टिव रहेगा। अब दोस्तों हमने बारी बारी ना इस प्लान के सारे फीचर्स को समझा है, कवरेजेस को समझा है, सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, ऑप्शनल कवर्स भी हमने जान लिए, फिर जो इसके यूएसपी यानी कि यूनिक फीचर्स हैं उनको भी हमने बारी बारी समझ लिया है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज आती है वो है इस प्लान के एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स को आपको जरूर जानना चाहिए, ये वो कारण है जिनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है या ये कह लो कि इनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी नहीं देगी। एक्सक्लूजन्स की डिटेल्ड लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर मिलेगी, पॉलिसी वर्डिंग्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक अटैच कर दिया है, आप वहां से पूरा पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट एक बार चेकआउट कर सकते हैं और उसके अंदर एक्सक्लूजन्स का सेक्शन स्पेशली एक बार जरूर पढ़ें क्योंकि मेनली इसे ही इग्नोर किया जाता है
और सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शंस इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं, तो एक्सक्लूजन्स को इग्नोर ना करें। अब दोस्तों बारी आती है मेरे वर्डिक्ट की, यानी इस प्लान के बारे में मेरा क्या कंक्लूजन है, मुझे ये प्लान कैसा लगा, क्या आपको ये प्लान लेना चाहिए या इसके अंदर क्या खास बातें हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है क्योंकि सबकी समझ, सबकी जरूरतें और मेडिकल नीड जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। इस प्लान को देखकर मुझे ये लगा कि सिर्फ एक जो मिरेकल बेनिफिट है उसको ऐड करने के लिए कंपनी ने अलग से प्लान लॉन्च किया है, लेकिन हालांकि कंपनी ये दावा करती है कि जो इसका टारगेट एज ग्रुप है वो अप टू 45 और 50 ईयर्स ऑफ एज है। उसके हिसाब से फीचर्स इसमें दिए गए हैं जैसे कि कैशबैक का वॉलेट है या मिरेकल बेनिफिट है जिसमें मैटरनिटी के बेनिफिट्स हैं, तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया गया है। लेकिन इनका जो बेस्ट सेलिंग प्लान है रेशो 2.0 जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हो गया है, उससे अगर कंपेयर करें तो एक मिरेकल बेनिफिट ही ऐसा है जो उससे थोड़ा सा मुझे अलग लगता है, नहीं तो ये प्लान तकरीबन दोनों सेम ही है। तो मेरा मानना ये है कि रेशो 2.0 भी एक अच्छा प्लान है, ये भी अच्छा प्लान है, दोनों के फीचर्स और बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मैटरनिटी के बेनिफिट्स भी आपको चाहिए और नेवा बुपा की ब्रांडिंग के साथ, नेवा बुपा की सर्विस के साथ और उनकी कवरेजेस के साथ आप प्लान लेना चाहते हैं तो आपको एस्पायर प्लान लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैटरनिटी की जरूरत नहीं है तो रेशो 2.0 भी एक अच्छा प्लान है। या दोस्तों आपको ये लगता है कि आपने किसी और कंपनी का कोई प्लान फाइनलाइज कर दिया है और आप उसको लेना चाहते हैं, वो आपकी मेडिकल नीड्स को बिल्कुल सूट करता है, तो आप इसके साथ फीचर्स एक बार कंपेयर जरूर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना वो प्लान भी परचेज कर सकते हैं। यानी इस प्लान के जरिए कंपनी ने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट किया है इंक्लूडिंग मैटरनिटी के फीचर्स देते हुए, यही मेरा इसके बारे में ओवरऑल कंक्लूजन है। अब दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई रिकमेंडेशन का वीडियो है, क्योंकि मैं आपकी मेडिकल जरूरतें नहीं जानता, ना ही मुझे पता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस प्लान के अंदर क्या क्या कवरेज है। इस कवरेज के हिसाब से प्लान तो आपको ही चूज करना होगा, मेरा काम है आपके लिए जो इंश्योरेंस प्लान्स की मुश्किल भाषा है, जो पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखी रहती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने मैं पेश करूं, जिसकी मैं इन वीडियोस के द्वारा पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन जो प्लान चूज करने का काम है, जो आपकी मेडिकल नीड्स है वो आपको ही पता है, तो सारे प्लान्स को कंपेयर करके अपना डिसीजन वाइजली लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। अगर आपको लगता है इस वीडियो के जरिए मैंने आपका कुछ काम आसान किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पे यही कोशिश है कि आपके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को समझना, इस्तेमाल करना इतना आसान बना दें कि आपको ये चुटकियों का खेल लगे। अगर आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे विजन में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे परिवार का हिस्सा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मुझे यानी हरविंदर सिंह को अब दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।